बरेली शाहजहांपुर ग्राम खजूरिया खुर्द थाना निगोही के अंतर्गत पीड़िता गुड्डी देवी पत्नी विनोद सिंह ने करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से मदद की लगाई गुहार। जिला अध्यक्ष होने के नाते हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हालांकि पीड़िता गुड्डी देवी ने बताया कि वह अपने परिवार सहित दिल्ली में रह रही थी। गुड्डी देवी अपने लड़के संजीव सिंह के साथ दिनांक 22 अगस्त 2022 को दिल्ली से अपने बहनोई मुकुट सिंह पुत्र धनपाल सिंह निवासी मोहल्ला सुभाष नगर कॉलोनी थाना फतेहगंज पूर्वी के यहां आई थी। पीड़िता की बहनोई उसी दिन मुझे मेरे पुत्र को छोड़ने ग्राम खजूरिया खुर्द गए थे तथा रात में वहां रुककर 23 अगस्त को मेरे पुत्र संजीव सिंह को लेकर अपने घर मोहल्ला सुभाष नगर आए। पीड़िता गुड्डी देवी के बहनोई के पड़ोसी ने बहनोई मुकुट सिंह और संजीव को अपने घर बुलाकर रात्रि में मेरे पुत्र संजीव और बहनोई को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उन दोनों की हालत काफी गंभीर हो गई तथा सुबह मेरे बहनोई मुकुट सिंह की मृत्यु हो गई। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई। बरेली एडीजी ने थाना फतेहगंज पूर्वी को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। गुड्डी, हमारा बेटा मेहमान में गया था अपने मौसा यहाँ, उसको शाम को जहर पिला दिया दारू में। जब मेरे पास फोन गया तो कहीं तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब छाले पड़ गए और वो तुम्हारे मौसा जो हैं वो भर्ती हो गए। तो जब हम वहाँ से गए तो मेरे बेटे के छाले पड़ गए, बोल नहीं पा रहा। गजराज ने जहर दिया है, संजीव। और फिर रोलखंड में हमारे लड़के छोटे वाले ने, हमारे देवर ने भर्ती किया, तो 6 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम पूजा है। मामला ये है कि मेरा भाई मुकुट सिंह 24 तारीख को गजराज के यहाँ पे शराब के साथ में जहर दे दिया और उसके साड़ू का लड़का संजीव था, दोनों को जहर दे दिया। उसके 6 दिन बाद मृत्यु हो गई और मेरे भाई की 3 घंटे के बाद ही मृत्यु हो गई है। और हम जहाँ कहीं भी जाते मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जाती है। मेरे छोटे छोटे ये बच्चे हैं, भाई के 3 बच्चे हैं मेरे, बेसहारा हो गए। पर मैं कहीं भी जाती हूँ, जो फतेहगंज पूर्वी में धर्मेंद्र ऐसो है और दिनेश दरोगा है, उन्होंने 2 लाख रुपए लेके उस मुलजिम को छोड़ दिया। उसे कोई कार्रवाई नहीं, उसके जरिए कोई बात नहीं सुन कर रहे हैं, नहीं पूछताछ कर रहे हैं, उसे छोड़ दिया है। हर बात पे यही बोलते, मैं फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली तहसील फरीदपुर की हूँ, फतेहगंज पूर्वी के। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी फतेहगंज का ही है, गजराज और जगवीर और उनकी माँ मुन्नी देवी। इन मैंने आँखों से देखा, उन तीनों ने जहर पिलाया, उन्हें मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है। ये 24 तारीख रात की बात है और उसी दिन 25 तारीख 2 बजे के टाइम उनकी हालत खराब हुई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।